सिंगल क्लिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हम हिमाचल और राष्ट्रीय जीके के कुछ और प्रश्न और उनके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल के साथ, लेते हैं हिमाचल का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंबा जिले से किसका संबंध नहीं है? नहीं पूछा है तो रेणुका सिरमौर में है, इसका संबंध नहीं है। और बाकी की तीनों लेक्स लामा, खजियार और गड़ासरु चंबा में है। कौन सी व्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं पूछा है, कई बार हम क्वेश्चन को ओवरलुक कर लेते हैं, तो आपने क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना है उसके बाद आंसर करना है। तो नहीं है तो यह गागर नहीं है, मनालसु, सुजान और सोलन तीनों व्यास नदी की सहायक नदी है। पौंटा साहिब किस जिले में है? यह सिरमौर में है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले को कब मिलाया गया? 1954 को, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। किस नदी पर रेणुका बांध प्रस्तावित है? तो रेणुका जो बांध है यह बनेगा गिरी नदी पर, याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? यह की गई दोस्तों 1970 और 71 को। अगला प्रश्न है, शिमला से, शिमला में सबसे अधिक उत्पादन किस फल का होता है? तो शिमला में सबसे अधिक होता है उत्पादन सेब का, याद रखें। किस क्षेत्र में भेड़ बकरी का व्यवसाय सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो यह होगा, इसका आंसर होगा भरमौर। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस स्थान पर दशहरा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यह कुल्लू का दशहरा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था चनालग में। अगला प्रश्न है, हिमाचल में प्रसिद्ध भीमाकाली मंदिर कहां स्थित है? तो यह है सराहन में, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ मंदिर किसको समर्पित है? दोस्तों याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंदिर कहाँ पर है, कई बार पूछा जाता है कि उस मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, तो यहाँ बात कर रहे हैं बैजनाथ की। तो बैजनाथ में पूजा की जाती है शिव भगवान की, तो यह शिव भगवान को समर्पित है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अब लेते हैं राष्ट्रीय जीके का पहला प्रश्न और जानते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको जाना जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये जाना जाता है एडम स्मिथ को, वेरी इंपॉर्टेंट, अब नोट कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग भारत में सेवा क्षेत्र का नहीं है? तो यह नहीं है निर्माण का, बाकी सारे हैं, आप देख सकते हैं, परिवहन है, होटल है और बीमा है। अगला प्रश्न है, 13वें वित्त आयोग से, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विजय केलकर जी, याद रखें। अगला प्रश्न है, दलीय व्यवस्था किस एक व्यवस्था का अंग है? तो दोस्तों यह होगी राजनीतिक व्यवस्था का, तो आप नोट कर लीजिए। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? दोस्तों मोस्टली जो मेजरमेंट यूनिट है या मेजरमेंट इक्विपमेंट है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, एनीमोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है विंड स्पीड के लिए या पवन वेग आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल मापने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है वातावरण ध्वनि, याद रखें। अगला प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह की थी चैडविक ने, आप नोट कर लीजिए। जब बर्फ पिघलती है तब उसका जो आयतन है वो घट जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, तो नींबू, जो नींबू है यह खट्टा सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। फिटकरी का प्रयोग किस रूप में होता है? यह जल शोधक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है कौन सी होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आप याद रखें। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों यह मिलाई जाती है तांबा, तो आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।